नमस्कार, मैं हूँ शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। दखल न्यूज़ में आज हम एक ऐसे संजीदा व्यक्ति से मिलने वाले हैं, हमारे भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया जी से। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। अविनाश जी, कोरोना पैंडेमिक है, ऐसी स्थिति में शहर बहुत घबराया हुआ है, आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि शहर में थोड़ा सा जो पैनिक है लोग वो शांत हो जाए? मैडम, मैं सबसे पहले तो सबको यही कहना चाहूँगा जो मैं सदैव से कहता आया हूँ कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर सचेत बहुत रहने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये है कि लोग जनरली घबरा ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जब सचेत रहने की बारी आती है तो सचेत नहीं रहते। फॉर इंस्टेंस, जब मैं कहता हूँ कि घबराना नहीं है, इट मीन्स कि आपको ज़रा से भी सिम्टम्स लगे, आपको ज़रा से भी कोई बात लगे, आपके पूरे शहर में तमाम फीवर क्लिनिक्स चल रहे हैं, आप कंफर्टेबली किसी भी फीवर क्लिनिक पे आइए। प्राइवेट लैब्स हैं जो घर आके सैंपल ले जाते हैं, आप अपनी सैंपलिंग कराइए, अपनी जांच कराइए, एंड इफ़ यू फाइंड के यू आर पॉजिटिव तो उसके अकॉर्डिंगली या तो होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। लाइकवाइज, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलिए, निकलना ही पड़े तो मास्क अवश्य लगाइए। ये वो पैरामीटर्स हैं जहाँ सचेत होने की बात होती है, एंड घबराने जैसी कोई विषय नहीं है। यदि हम लोग टाइमली इसको डिटेक्ट करें तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें कि वो केस क्रिटिकल है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैंने संजीदा व्यक्ति क्यों कहा। अविनाश जी को भोपाल तब मिला जब कोरोना से पूरी तरह घिर चुका था। अविनाश जी ने उस वक्त ऐसे भयावह स्थिति में पूरे शहर को संभाला है और बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। आप हर किसी से कोशिश करते हैं कि वो वन टू वन मिले और उनको बता पाएँ। अविनाश जी, एक चीज़ देखने में आई है कि पहली लहर आप लोगों ने संभाली थी, लेकिन दूसरी लहर जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका क्या कारण है? मैडम, मृत्यु दर नहीं बढ़ा है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो देखने में आया है कि प्रथम लहर में जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस हमारे 300 350 तक ही रहते थे, इस लहर में हमारे जो केसेस हैं वो 1800 1900 तक गए, विच इज़ इफ़ यू सी ऑलमोस्ट 6 times 7 times ऑफ द केसेस जो हम लास्ट ईयर विटनेस कर रहे थे। ये केसेस बढ़ने के पीछे कहीं ये वजह रही कि हम समझ ही नहीं पाए कि ये एक दूसरी लहर आ चुकी है और हम उस चीज़ को संभालने में हमको वक्त लग गया? मेरे ख्याल से इसका अल्टीमेटली तो इट्स ए यूनिवर्सल फिनोमिनन। ऐसा केवल भोपाल में या मध्य प्रदेश में या भारत में नहीं हुआ, ये पूरे विश्व में हुआ। और इसका अगर मूल कारण देखें तो क्योंकि धीरे धीरे कोरोना के केसेस ख़त्म हो रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग सभी ने मान लिया था कि कोरोना अब ख़त्म हो गया है। तो जाहिर सी बात है, लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया, लोगों ने टेस्ट कराना कम कर दिया, तो उसकी वजह से जो स्थिति थी वो थोड़ी बिगड़ी भी। एंड साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि जो नया स्ट्रेन है या सेकेंड वेव जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की, इसकी वायरुलेंस बहुत ज़्यादा थी, जो स्प्रेड था वो बहुत ही तेज़ी से हुआ, तो दैट वाज आल्सो वन डिफरेंस जिसकी वजह से इस बार केसेस काफ़ी ज़्यादा। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसकी बहुत हाय मची, डॉक्टर्स ने एकदम प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन होगा तभी जान बच पाएगी, और ऐसी स्थिति में आप लोगों ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके पेशेंट्स को, उनके अटेंडर्स को और डॉक्टर्स को मैनेज किया जाए, तो कहाँ व्यवस्थाओं में कमी आई कि लोग सड़कों पर आए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है? इसमें व्यवस्था की कमी का विषय नहीं रहा, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए, रादर बहुत रेगुलरली रेमडेसिविर की सप्लाई जो है वो जितनी भी अवेलेबल कराई जा सकती थी वो अवेलेबल कराई। हमको इसमें दो बातें समझनी होंगी, एक तो ये कि जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो इतनी तेज़ी से बढ़े कि उन्होंने प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया। रेमडेसिविर के प्रोडक्शन का, रेमडेसिविर को अवेलेबल कराने का अपना एक साइकिल है जिसको कि कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सही बात है कि मार्केट में जो अवेलेबिलिटी थी वो लिमिटेड थी, पर मेरा इसमें ये भी कहना है कि उस लिमिटेड अवेलेबिलिटी को भी यदि हम गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को देखें, नॉर्म्स को देखें, तो उसके हिसाब से वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त थी। इसमें ये भी एक इशू हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा लगभग बहुत सारे ऐसे लोगों को भी रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब किए गए जिनको प्रॉब्ली उसकी आवश्यकता नहीं थी, जो गाइडलाइंस थे उनका पालन नहीं हुआ। यदि हम गाइडलाइंस के अनुरूप देखते तो उससे ज़्यादा मात्रा में रेमडेसिविर हमेशा प्रदेश में मौजूद थे। रेमडेसिविर के साइड इफ़ेक्ट्स और जो कार्डियक अरेस्ट लोगों को हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और पेशेंट की केसेस को मैच करके करने की जगह रेमडेसिविर को एकदम प्रिस्क्राइब किया और जिसकी वजह से डेथ रेशियो बढ़ा? नॉट रियली, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बड़ी आयरनी है कि जहाँ एक तरफ वैक्सीनेशन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके कि लिटरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत ही माइल्ड है और आपको कोरोना से बचाने की ताकत रखता है,
एक तरफ उसके लिए वो रुझान देखने को नहीं मिला लोगों में, हम लोगों को आईईसी करनी पड़ी, लोगों को बहुत मनाना पड़ा, एंड दूसरी तरफ रेमडेसिविर विच इज़ अ वेरी वेरी सिवियर साइड इफेक्ट्स कॉजिंग इंजेक्शन, उसके लिए देर वॉज सो मच ऑफ ट्रेंड कि कोई भी यदि पॉजिटिव आ रहा था तो ही वॉज आस्किंग फॉर रेमडेसिविर. तो इट्स एन आयरनी विच शुड हैव बीन अवॉइडेड, एंड केवल जो बहुत ही सीरियस पेशेंट्स हैं उनमें ही जहाँ अत्यावश्यक होता है वहीं रेमडेसिविर का यूज़ होना चाहिए. अब एक थर्ड वेव की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों पर असर करेगी, तो उसकी क्या तैयारी है? अभी उसके नेचर के बारे में कुछ भी कहना तो बेमानी होगा, बिकॉज द वायरस इटसेल्फ इज सो न्यू दैट द रिसर्चेस आर गोइंग ऑन. बट हैविंग सेड दैट, हम लोग सरकार में ऐसा सोचते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड देन अंडर प्रिपेयर्ड. तो ये मानते हुए कि थर्ड वेव आएगी ही, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग जो हमारा सेकेंड वेव का रिस्पॉन्स था उसकी देखते हुए कि हाउ वी कैन प्रिपेयर बेटर सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन सच अ स्पाइक इन नंबर्स हिट्स अस वी आर बेटर प्रिपेयर्ड और हम लोग स्थितियों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते. अभी भी हॉस्पिटल में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रॉब्लम, ये कम नहीं हो पाई हैं, तो उसके लिए अभी क्या? आई एम सॉरी टू से, बट इस बात को मैं पूरी तरह से नकारता हूँ. आज की डेट में हॉस्पिटल्स में बेड्स की कोई किल्लत नहीं है. ऑक्सीजन बेड्स, लेट मी क्लैरिफाई, ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी अनटिल एंड अनलेस के आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हॉस्पिटल में चाहें तो बात अलग है, बट यदि आपको ऑक्सीजन बेड की भी आवश्यकता है तो भोपाल में इन 5 मिनट्स टाइम वी कैन टेल यू कि आपको ऑक्सीजन बेड कहाँ अवेलेबल हो सकता है, बोथ इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, विदाउट फेल. नंबर टू, जहाँ तक आप ऑक्सीजन की बात करें, बहुत सब्सटैंशियल मात्रा में ऑक्सीजन आज की डेट में हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस को, हमारे सारे छोटे हॉस्पिटल्स को बहुत कंफर्टेबली मिल रही है. टू दैट एक्सटेंट आई वुड रादर एनकरेज कि आप जाके हॉस्पिटल से पूछिए, बात कीजिए, तो दे विल ऑल टेल यू कि वो ऑक्सीजन को लेके दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पिछले कुछ समय में जो काम किया है, आज की डेट में ऑक्सीजन की किल्लत भोपाल के लिए आई कैन एटलीस्ट टेल यू फॉर विद गारंटी कि ऑक्सीजन की समस्या भोपाल में कहीं भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है. रेमडेसिविर, एज आई सेड प्रीवियसली, इफ़ यू फॉलो द प्रोटोकॉल, इफ़ यू सी द रिक्वायरमेंट एज पर व्हाट इट शुड बी, उससे ज़्यादा रेमडेसिविर भोपाल में आ रही है, उसके वो देखते हुए रेमडेसिविर की किल्लत. अभी एक नया स्ट्रेन ब्लैक फंगस आइस में और टीथ में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके लिए अब क्या डॉक्टर्स के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई है? अभी क्या तैयारी है और अब इसका क्या नया? इस पर भी बातचीत आज की मीटिंग में रही, एंड इट्स अ वेरी न्यू फिनोमिनन दैट इज़ अकरिंग, एंड उसके ट्रीटमेंट को लेके भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके स्टैंडर्डाइजेशन का काम चल रहा है, तो आई एम श्योर कि एज टाइम प्रोग्रेसेस इसको भी ट्रीट करने के बड़े स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के साथ हम लोग इसको हैंडल कर पाएंगे. आप भोपाल शहर के कलेक्टर हैं और जनता को आपसे बहुत उम्मीद रहती है. आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जनता सोचती है कि हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, तो आप जनता को क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे कोरोना का स्ट्रेन कम हो, कोरोना का डर कम हो लोगों में? मैं यही कहना चाहूँगा, दो ही बातें. एक, कोई भी सिम्टम्स होने पर अपने आप को टेस्ट ज़रूर कराएँ, आगे आएँ, और अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल्स में भी एडमिट कराएं, अन्यथा होम आइसोलेशन में मेडिसिन ज़रूर लें एंड अपने आप को बचाएं. एंड सेकेंडली, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें. कोरोना का जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है. हम लोगों को यथासंभव स्वयं को और अपने परिवार को अन्य लोगों से मिलने जुलने से बचाना चाहिए. मेरा एक आखिरी सवाल और है, वैक्सीन के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये कह दिया जाता है वैक्सीन ख़त्म हो गई, या 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन का स्लॉट है वो बुक्ड बताता है, नेक्स्ट डे का ओपन नहीं बताता. तो ऐसे में वैक्सीन के जो रजिस्ट्रेशन के स्लॉट्स हैं, उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पर कोवैक्सीन है, कहाँ पर कोविशील्ड है, वो एक कैसे लोगों में सजगता रहे? लोगों की शिकायत है कि हमको रजिस्ट्रेशन होने के बाद बुकिंग नहीं मिल रही है. सो देर आर टू डिफरेंट फेजेस ऑफ वैक्सीनेशन. एक 45 प्लस की वैक्सीनेशन है. 45 प्लस की वैक्सीनेशन में बुकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉक इन भी अलाउड है. जिनको सेकेंड डोज लगना है उनको सेकेंड डोज भी हम लोग लगवा रहे हैं. रादर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट डोज के लिए हमें जहाँ जहाँ कैंप्स लगाए, सेकेंड डोज के लिए भी हम लोग वहीं कैंप्स लगा के इंश्योर करें कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए. जहाँ तक 18 प्लस के वैक्सीनेशन की बात है, क्योंकि इट्स अ न्यू फिनोमिनन, अभी हम लोगों ने कुछ कैंप्स से ही इसकी शुरुआत की है, जिसको कि हम आगे आने वाले दिनों में उनकी संख्या को बढ़ाएंगे तो ये सिचुएशन और इजी होगी. ये थे हमारे साथ भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया जी. अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े. हम ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे और ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे. मैं शेफाली, दखल न्यूज़ के लिए भोपाल. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।